ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सबसे पहले देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। अगर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है तो इसका मतलब ये भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। तो इस पे हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रोग्राम कंप्यूटर में चलने वाले सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है, अब किस तरह बना सकते हैं? तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कंप्यूटर ऐप्स बनाने के लिए, मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए हमें सीखनी होती है एक स्किल। उस स्किल का नाम है प्रोग्रामिंग। जैसे ड्राइविंग क्या है? एक स्किल। स्किल सीविंग क्या है? स्किल। तो वो स्किल सीखेंगे तो हम कपड़े सीने के काबिल हो जाएंगे, गाड़ी चलाने के काबिल हो जाएंगे। प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो हम किस काबिल हो जाएंगे? सॉफ्टवेयर बनाने के। इसलिए लिखा है, इट इज अ टेक्निक टू क्रिएट और डेवलप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप, वेबसाइट एंड सो ऑन यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब आप इसमें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, मोबाइल ऐप बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, और लिख दूं आगे गेम्स बना सकते हैं। तो ये सब चीजें आप प्रोग्रामिंग सीखने के लिए बना सकते हैं। अब प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, लाइक ड्राइविंग सीखने के लिए गाड़ी की जरूरत होती है। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको सीखनी पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सीख कर आप प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं और फिर आप ये सारी चीजें बनाने के काबिल हो जाते हैं, या इनमें से कोई एक चीज बनाने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी एंड सी प्लस प्लस। दोनों 50-50 नंबर का पेपर है इनका। बहरहाल अब मैं ये करने लगा हूं कि आपको मैं डायरेक्टली सी प्लस प्लस पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो सी प्लस प्लस और सी दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ फर्क कितना है, ये ओल्ड वर्जन है और ये इसका एडवांस वर्जन है। 1980 का, ये 70s का रिलीज है, ये 80s में रिलीज हुआ था और अब तक इन है। चले आगे चलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर क्या क्या होते हैं? जैसे एक गाड़ी के क्या क्या फीचर होते हैं? जैसे गियर, ऑटोमेटिक। नहीं नहीं, फीचर्स मतलब स्टीयरिंग वगैरह। फीचर्स पे मतलब ये आ जाते हैं, अरे रुक तो जाओ। हाँ, ये सारी चीजें, ये सब फीचर्स है ना, किसी गाड़ी में होते हैं, किसी गाड़ी में नहीं होते। ठीक है, इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फीचर क्या क्या है? दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। जैसे सी के बारे में कहा जाता है, सी इज फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी को हम फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, जबकि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, समझ में आ रही? तो अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, तो आप बताएंगे सी इज फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छा अभी किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ ले। अब अगर हम प्रोग्रामिंग मेथड की बात करें, यानी कि प्रोग्रामिंग जो हम सीख रहे हैं टेक्निक स्किल, तो उसके भी दो ही मेथड है। या तो आप प्रोग्रामिंग करेंगे वी कैन कोड बाय टू मेथड्स, लीनियर और फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग, और दूसरा है ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड यूज करके हम प्रोग्रामिंग करेंगे। मतलब गाड़ियां दो तरह की है, एक लेफ्ट हैंडल और एक राइट हैंडल, लेफ्ट हैंडल और राइट हैंडल। तो ड्राइविंग स्किल्स भी दो तरह की सीखनी पड़ेंगी, या तो लेफ्ट हैंड वाले पे सीखें या फिर राइट हैंड। लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या होगा? अगर हम ड्राइविंग सीख गए तो अगर हमने राइट पे सीखी तो थोड़ी सी मेहनत करके लेफ्ट पे आराम से आ जाएंगे, लेफ्ट पे सीखी तो थोड़ी सी मेहनत करके राइट पर आ जाएंगे। सो सेम ऐसा ही है, अगर आपको सी आती है तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, आप सी प्लस प्लस भी सीख जाएंगे। यानी कि आपको फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करना आता है तो इसका मतलब आप ये वाला मेथड अप्लाई कर रहे थे, ये वाला। और अगर आपने अपने आप को अपग्रेड करना है तो आपको ये वाला मेथड सीखना पड़ेगा, तो इसकी प्रैक्टिस आप इस पे करेंगे। एक गाड़ी है जिसमें चार गियर लगते हैं तो आपकी ड्राइविंग फोर गियर्स तक महदूद रहेगी। आपको हैवी व्हीकल चलानी है तो बेसिक ड्राइविंग अगर आपको आती है तो थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप हैवी व्हीकल चलाना भी सीख जाएंगे। सही कह रहे हैं, इसी तरह से इनमें फर्क ये है। तो प्रोग्रामिंग के भी दो मेथड है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी दो तरह के फीचर्स प्रोवाइड करती हैं। तो जो लोग इस वाले मेथड को फॉलो करते हैं वो इस पे प्रोग्रामिंग करते हैं, और जो लोग इस मेथड को फॉलो करते हैं उनको लाजमी के इसको फॉलो करें। सही है। अच्छा, जब ये इससे एडवांस है तो हर एडवांस चीज में पुराने फीचर सारे होते हैं। बात समझ रहे हैं? सी के फीचर, सी के सारे फीचर सी प्लस प्लस में। मतलब
इसमें अगर कोई बंदा लीनियर प्रोग्रामिंग भी करना चाहे तो कर सकता है और साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकता है, लेकिन सी में खाली लीनियर प्रोग्रामिंग हो सकती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर वो ऑफर ही नहीं करता। समझ में आ गई? एसी गाड़ी और एक नॉन एसी गाड़ी। एसी गाड़ी में एसी ऑन करके भी बैठ सकते हैं, ऑफ करके भी बैठ सकते हैं, लेकिन नॉन एसी गाड़ी में एसी है ही नहीं तो एग्जैक्टली। तो ये इस तरह का फीचर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आपको C++ पढ़ा दूं, तो लीनियर फंक्शन भी, प्रोग्रामिंग मेथड भी इसमें कवर हो जाएगा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो वैसे ही करना है इसके अंदर, सही है ना सर? उसमें वाला C भी आ जाएगा। हाँ, C भी हो जाएगा। अब चलते हैं आके हाउ टू प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या होता है भाई? देखिए, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर एप, प्रोग्राम, वेबसाइट, ये सब उन्हीं के नाम है सॉफ्टवेयर के। तो कह रहा है कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। अच्छा देखिए, प्रोग्राम बनाने के देखिए ज़हन में आपके आएगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज, व्हाट्सएप, फेसबुक, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम ऐसा कुछ भी नहीं बना रहे, हम सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग जो इस सिस्टम के इनसाइड चल रहा है, हमें दिख नहीं रहा। नोटपैड के पीछे क्या हो रहा है, फेसबुक के पीछे क्या होता है, वो तो हमें नहीं दिखता ना। तो पहले हम सीखेंगे स्किल और साथ साथ सीखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब आप ये सीख जाएंगे तो इसके आगे का पाथ आप खुद डिसाइड करेंगे। तो अभी एकदम दिमाग में नहीं डालना कि मैंने फेसबुक बना लेना है, मुझे व्हाट्सएप बना लेना है, ये सब कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात ये? अब आ जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए। आईडी हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, ये पूरा वर्ड है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें एक तो टेक्स्ट एडिटर होता है जैसे नोटपैड की तरह, एक कंपाइलर होता है जो हमें हेल्प करता है और टेस्ट करने में कोड। अरे ठीक है, जो हमें हेल्प करता है सर और टेस्ट करने में कोड, ये एप्लीकेशन का नाम है जहां पे हम बनाएंगे। हां, ये उस एप्लीकेशन आईडी सर, शॉर्ट आईडी, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें टेक्स्ट एडिटर होगा, कंपाइलर होगा जो हमें लिखने में और टेस्ट करने में हेल्प करेगा। कंपाइलर क्या होता है? इट इज अ सॉफ्टवेयर विच कंटेन ऑल प्रोग्रामिंग कोड एंड सिंटैक्स। कंपाइलर, कंपाइलर IDE के अंदर होगा जिसके अंदर सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड मौजूद है और उसको लिखने का तरीकाकार भी मौजूद है, मतलब उसकी ग्रामर। कोड माने जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश एक लैंग्वेज है जी। तो सारे इंग्लिश के वर्ड्स किस में होते हैं? डिक्शनरी में होते हैं ना ये। किस में होते हैं? डिक्शनरी में होते हैं। अगर उस डिक्शनरी में उसको लिखने की ग्रामर भी मौजूद है जी। तो ग्रामर इज इक्वल टू सिंटैक्स और कोड इज इक्वल टू वर्ड्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं, प्रोग्रामिंग भी तो एक लैंग्वेज है ना। यस सर। तो जैसे किसी लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं, इसके भी कोई लैंग्वेज होंगे वर्ड्स होंगे। वो सर कोड में, वो कोड कहलाते हैं सिंटैक्स और वर्ड, जैसे सर इंग्लिश की डिक्शनरी के साथ सिंटैक्स उस कोड को लिखने की ग्रामर, लिखने, ठीक है और कोड वो वर्ड्स है, ठीक है। इट हेल्प अस टू राइट प्रॉपर कोड। और कंपाइलर हमें क्या मदद करता है कि हम सही तरह कोड लिख सके। अगर गलती करेंगे तो ये कोड को आगे सप्लाई नहीं करेगा। इंक्रीज वी विल मेक एनी मिस्टेक, इन केस वी विल मेक एनी मिस्टेक इन टाइपिंग कोड इट विल प्रॉम्प्ट अस बाय एरर। अगर हमने गलत कोड लिखा तो ये हमें बताएगा किसके जरिए, एरर के जरिए, ठीक है। कंपाइलर कन्वर्ट प्रोग्रामिंग कोड टू मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपको एक और नई बात पता चली कि जो माइक्रो प्रोसेसर और मशीन लैंग्वेज समझता है उसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं और वो जीरो और वन की लैंग्वेज होती है। वो मुश्किल है इसलिए हम उसको नहीं सीख सकते, इसलिए इनके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई ताकि हम इस मशीन से बेहतर तरीके से, आसान तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। सही समझ में आ गई बात? यस सर। ओके, सी एंड सी प्लस प्लस बोथ आर केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब केस सेंसिटिव नया वर्ड आया आपके सामने है ना। यस सर। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि सी और सी प्लस प्लस में जब आप कोड लिखेंगे तो उस कोड के छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में लिखने की दो मीनिंग होगी। एक कोड स्मॉल में अलग मीनिंग है और कैपिटल में अलग मीनिंग है। तो जो कोड अगर स्मॉल में है तो आप स्मॉल में लिखेंगे और जो कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखेंगे। अगर आपने कैपिटल वाला कोड स्मॉल में लिखा है, स्मॉल, हाँ एरर आएगा, एरर 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 आएगा। ओके, कीवर्ड्स किसे कहते हैं? कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स लाइक इंग्लिश वर्ड्स बट इट हैज सम एक्शंस। कह रहा है कीवर्ड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कमांड्स हैं, जो कोड्स हैं, उनको कहा जाता है और वो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं
लेकिन एग्जैक्ट इंग्लिश के वर्ड नहीं होंगे, मतलब वो बनाए हुए आपके समझाने के लिए, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कीवर्ड्स। इस साइन को हम कहते हैं सेमीकोलन, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इनको कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज इक्वल टू फुल स्टॉप। जैसे इंग्लिश का सेंटेंस आखिर में खत्म करने के लिए क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। तो की लैंग्वेज में खत्म करने के लिए आखिर में ये लगा, हां, अ सिंगल लाइन ऑफ कोड इज कॉल्ड स्टेटमेंट। एक लाइन का कोड जो आप लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। और उसको एंड हम करते हैं इसके जरिए, लाइक ये मैंने लिख के बताया कोड लिखा है तो इसको ऐसे। ओके, सोर्स फाइल क्या होती है? इट इज ओरिजिनल प्रोग्रामिंग फाइल विच हैज कोड रिटन बाय द प्रोग्रामर और डेवलपर। यानी कि जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसका कोड जो हम लिखते हैं वो हमारा सेव होता है सोर्स फाइल में, और जो कस्टमर को हम कॉपी देते हैं वो होती है उसकी एक्सी फाइल। कौन सी फाइल? एक्सी फाइल, कॉपी फाइल। वो उससे क्रिएटेड की भी फाइनल कॉपी होती है। जैसे मिठाई वाला आपको क्या देता है, मिठाई वाला आपको क्या देता है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन। क्या आपको वो रेसिपी देता है उसकी? नहीं सर, खाली रसगुल्ले देता है। तो सोर्स फाइल इज द रेसिपी जो आपने मेहनत करके बनाया है, और वो जो प्रोग्राम चल रहा है वो उसका एक्सेक्टेबल फाइल है जिसमें से आप उसको देख नहीं सकते कैसे बनाए। व्हाट्सएप, फेसबुक, सब प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में सब चल रहे हैं, क्या आप देख सकते हैं कैसे बनाए? अगर देख लेंगे तो आप खुद बना के नहीं बेचेंगे, ठीक है? तो उसे कहते हैं सोर्स फाइल। और एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सेट सोर्स फाइल एंड इट परफॉर्म्स फंक्शंस एंड एक्शंस। और वही सोर्स फाइल से बनती है ये, और यही एप्लीकेशन या ऐप होती है जो उसको चला के काम, मतलब ऐप और उसके प्रोग्राम। सोर्स फाइल सर इसका फाइल का नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हाँ, सोर्स फाइल एक दो तरह की फाइल है ना, सोर्स फाइल और एक्सेक्यूटेबल फाइल। ऐप बनाए तो जो उसका प्रोग्राम होगा सोर्स फाइल होगी। हाँ, वो हम अपने पास किसी को दे दो तो ये देंगे ना सर, वो हम भेज देंगे। हाँ, ये देंगे किसी को देंगे तो। हाँ, ये देंगे सर। उसमें चेंज वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकता ना। अच्छा, आप कर सकते हो व्हाट्सएप पे चेंजेस? नहीं सर, वही अपडेट वगैरह जो करना हो। ठीक है, चले अभी आप पहला प्रोग्राम बनाते हैं अपना। ओके, पहला प्रोग्राम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए जो हम IDE यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं ये वाला Dev C++। ये एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें टेक्स्ट एडिटर भी है और इसमें कंपाइलर भी है। तो इसमें एक न्यू फाइल लेंगे, फाइल न्यू, और यहाँ से क्या करेंगे, हमारे सामने, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ बुनियादी कोड लिखना है, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? प्रोग्राम स्ट्रक्चर। स्मॉल लेटर्स में लिखना है, हैश इंक्लूड। अभी आपको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है। आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंटीजर मेन, दो राउंड ब्रैकेट्स, दो बॉडी ब्रैकेट्स, और इसके अंदर लिखना है अपने रिटर्न 0 सेमीकोलन। फिर अपनी फाइल को क्या करना है, आपने सेव करना है। ये आप अपनी सोर्स फाइल सेव करने जा रहे हैं। सोर्स फाइल की टाइप होती है सी पी पी। एक फोल्डर में अपनी फाइल को सेव करना है। मैंने आपके ग्रुप के नाम से सेव कर दी, नोवाइस क्लास 01 इंट्रोडक्शन। ये मेरी सोर्स फाइल सेव हो गई। एग्जैक्टली, ठीक है। इस कोड को जो मैंने लिखा है इसे हम कहते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? प्रोग्राम स्ट्रक्चर। यानी कि हर प्रोग्राम को लिखने से पहले आपको ये प्रोग्राम लिखना है। आप कोई भी प्रोग्राम बनाए पर उससे पहले ये कोड लिखना है। अब आपका जो प्रोग्राम का कोड है वो आप कहां लिखेंगे? इस मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर और रिटर्न से पहले, दोनों के बीच 4, 5, 6, 7 में, चाहे सर कितनी भी बड़ी हो जाए। हाँ, अब ये तो हो गई। अब आप पूछेंगे सर ये तो हो गई हमारी सोर्स फाइल, एक्सी फाइल का है? एक्सी फाइल सोर्स फाइल से बनेगी ना, कैसे बनेगी? पहले हम अपने कोड को कराएंगे कंपाइल। क्या कराएंगे? कंपाइल। तो कंपाइलर चेक करेगा क्या हमने इस प्रोग्राम स्ट्रक्चर को सही लिखा है। अगर सही लिखा है तो वो नीचे हमें बताएगा एरर 0। फिर हम उसको बोलेंगे रन करो, तो जो रन करेगा वो हो गई हमारी एग्जीक्यूट फाइल। अभी बिल्कुल ब्लैंक है ये ऊपर, इस लाइन से ऊपर जो होगा वो हम कोड लिखेंगे वो दिखाई देगा। क्या है वो? बिल्कुल ब्लैंक है। कह रहा है कि आप दोबारा से सोर्स फाइल में जाना चाहते हैं तो कोई भी बटन दबा दें। ये हमने अपने कोड को टेस्ट कर लिया। सर पता है कि कोड सही है। जैसे हमने कंपाइल करेंगे बताया था सर, एरर नहीं आया कोई भी। एरर 0 है तो कोड सही है। ठीक है, ओके। अब हम अपने प्रोग्राम में एक मैसेज लिख के दिखाना चाहते हैं, जैसे वेलकम टू, या हम लिखना चाहते हैं बायोडेटा। क्या लिखना चाहते हैं? बायोडेटा। वो अगर हम इसे बायोडेटा लिख देंगे ना तो वो एरर दे देगा। देखो बायोडेटा कहेगा
कंपाइल एरर क्या कह रहा है, उसको पता ही नहीं बायोडेटा क्या होता है। अच्छा, तो कंपाइलर इंग्लिश की डिक्शनरी में तो वही वर्ड की मीनिंग मिलेगी ना जो इंग्लिश का वर्ड होगा। हम बोलेंगे टिकड़म शिकड़म तो बोलेगा पता नहीं क्या है भाई, पता ही नहीं, वर्ड में भी तो रेड लाइन दे देता है। तो इसमें ऐड नहीं होगा, इसमें तो हमें वही सीख के लिखना है जो ये होगा। अब बायोडेटा तो हमें दिखाना है ना, तो ये कह रहा है मैं बायोडेटा को जानता ही नहीं हूँ, क्या है एरर दे रहा है। लाइन नंबर पांच में मसला है, लाइन नंबर पांच पे मसला है, एक एरर कॉलम पे, ये बायो वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, मतलब मुझे पता ही नहीं बायो क्या है, मिटा दो। असल में अब अपने प्रोग्राम पे अगर हम कोई मैसेज दिखाना चाहते हैं तो उस काम को करने के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए, वो है इसका कमांड और उसका नाम है सी आउट। ये इसको पहचान रहा है सी आउट। इसके आगे दो लेस देन लगाने, कोई भी मैसेज अपने प्रोग्राम पे दिखाने सी आउट लेस देन, हाँ इसके बगैर काम ही नहीं करेगा। जैसे बोल्ड करने के लिए आप कहाँ क्लिक करोगे, बी पे ना, तो बी पे क्लिक करेंगे नहीं तो कर लेगा बोल्ड को, तो सी आउट ही मैसेज दिखाने का काम करेगा। फर्क इतना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई कमांड क्लिक करने के लिए नहीं होती, लिखने की होती है, और सॉफ्टवेयर में वो कमांड बटन के पीछे डाल देते हैं। तो पहले कंप्लीट तो होने दे इसको, ठीक है सी आउट लेस देन लेस देन, ठीक है पीछे की कहानी लिखते हैं सॉफ्टवेयर। हाँ सर क्या लेस देन, लेस देन लेस देन, दो दफा लेस देन, ये कमांड का हिस्सा है। स्पेस देंगे, हाँ अब स्पेस दो स्पेस, अगर हमारा मैसेज कोई कैरेक्टर्स में है तो हम डबल कोट लगाएंगे शिफ्ट के साथ, और आखिर में स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे जी। ये डबल कोट लगाएंगे, हाँ ये हमने समझो एक कमांड तैयार कर ली कि कोई भी मैसेज वो प्रोग्राम पे दिखाएगा जी। अब रह गई बात, अब रह गई वो बात मैसेज की, नहीं अभी कोई एरर नहीं आएगा, सही जी। अब रह गई बात वो मैसेज की, तो वो मैसेज दिखा जाएगा डबल कोट्स में। मैसेज आप चाहे छोटी बड़ी एबीसी कुछ भी लिख सकते हैं, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। गुड बाय पहले बायोडेटा पहले लिखा था नहीं गया था ना एक्सेप्ट, अब लिखे हैं बायोडेटा, या यू लिख लें क्यूरी क्यूलम विटाई, सही। अब आप अपने कोड को कंपाइल करें, एरर जीरो, रन करें, ठीक है। अच्छा अब न्यू लाइन चाहिए, तो न्यू लाइन की भी कमांड है इसके अंदर। न्यू लाइन के लिए क्या लिखेंगे आप, सी आउट लेस देन एंड एल एंड लाइन। इससे क्या होगा, हमारे प्रोग्राम में जो आगे हम कुछ लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन पर नजर आएगा। चलो लिखते हैं सी आउट लेस देन फुल नेम, मोहम्मद आसिम ले लेता एंड मोहम्मद दीप, ठीक है स्टेटमेंट टर्मिनेटर चले। अच्छा बार बार कंपाइल कर रहे हैं रन कर रहे हैं, दो दफा क्लिक करना पड़ा है ना, तो शॉर्टकट भी है कंपाइल एंड रन, शॉर्ट की क्या लिखी है F11, खुद ही कंपाइल करेगा खुद ही रन करेगा एक बटन पर। फुल नेम सही, सही है, चले आगे चलते। फिर अब आप एक और नई लाइन चाह रहे हैं, अब आपको बार बार लिखते हुए दिक्कत हो रही है ना, कोई टेंशन सर, सेलेक्ट कंट्रोल सी कॉपी एंटर कंट्रोल वी पेस्ट, नाम अब्बू का से ये हमने कम कर लिया इसमें, ठीक है कंपाइल एंड रन, सही है। अच्छा अब आपका ये तो हो गई सोर्स फाइल, सोर्स फाइल बंद करनी है तो कैसे करेंगे, फाइल क्लोज सेव है सर, हाँ ओपन करनी है तो क्या करेंगे, पहले डेफ प्लस खोलेंगे ओपन, ये देखिए उस फोल्डर में ये आपकी सोर्स फाइल डॉट सीपीपी वाली यहाँ सेव है, ये एक और फाइल भी उसी नाम से सेम, ये हमारी एक्जी फाइल है ये निकल, हाँ ये इस पर क्लिक करके क्या करेंगे हम ओपन। अब आपको अपनी सॉफ्टवेयर वाली फाइल किसी को देनी है या चला के देखनी है, तो आप जाएंगे अपने फोल्डर में जहां पे अपनी फाइल सेव करी है, तो अपना फोल्डर जरूर बना लेना, ठीक है ये रही वो आपकी exe फाइल, ये सोर्स फाइल ये exe फाइल, इसको आप डायरेक्टली किसी को भी दे दें कंप्यूटर में जाके चला लेगा वो। अब ये रुक नहीं रही, चलाना सर रुक नहीं रही, रुकने की भी कमांड है, वो देंगे तो झुकेगी, वो क्या कमांड है, रिटर्न जीरो से पहले लिखेंगे सिस्टम स्टार्ट ओवर ब्रैकेट
डबल कोट्स PAUAC पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर, सेव कंपाइल एंड रन, टेस्ट हो गया। अब यहां एडिशनल प्रेस एनी क्यू टू कंटिन्यू लिखा हुआ आ गया, बाहर आ गए। अब चेक करें अपनी फाइल को, फॉन्ट बड़ा करने के लिए राइट बटन दबा के प्रॉपर्टी में जाएंगे। ये सर किसी को भी भेज सकते हो, ये किसी को भी दे दें, वो जब भी चलाएगा ये उसको परफॉर्म करके बताएगा। ठीक है, अब आपने अपना इस तरह से पूरा सीवी बनाना है।